आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस एप्लीकेशन। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन किया गया न्यूक्लियर फिजिक्स को। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द फील्ड ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर कंस्टिट्यूट एंड इंट्रैक्शन। न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम एटम के न्यूक्लियस और इसके कंस्टिट्यूट के बारे में और न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूट के दरमियान इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ शामिल है, किस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम स्टडी करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। जो एटम के अंदर हमारे पास एटम के न्यूक्लियस की जो जनरल प्रॉपर्टीज आम खसूसियात हैं उनको हम यहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर देखते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है द पार्टिकल कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो जो पार्टिकल मौजूद होते हैं उन तमाम पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल मौजूद हैं उन पार्टिकल के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है उसको भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। फोर्थ पे हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह भी शामिल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द न्यूक्लियर फिनोमेना। न्यूक्लियर फिनोमेना के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर कंपोनेंट इंड्यूस्ड बाय द पार्टिकल बम्बार्डमेंट। न्यूक्लियर रिएक्शन दरअसल हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद कंपोनेंट की रीअरेंजमेंट होती है जो कि पार्टिकल के बम्बार्डमेंट के जरिए से की जाती है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, या तो हमारे पास फिशन रिएक्शन हो सकता है या फिर हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। अब फिशन और फ्यूजन को हम आगे जाके डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। द न्यूक्लियर रिएक्शन आर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ। न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास जो है वो मुंदरजा कंजर्वेशन लॉज के बारे में भी जो है वो बहस करते हैं या इनको फॉलो करते हैं। इनके अंदर सबसे पहले हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड नंबर पे हमारे पास है मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। मतलब एक तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर चार्ज कंजर्व रहता है, उसके बाद मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो है ये भी हमारे पास कंजर्व रहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। थर्ड नंबर पे जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी जो है वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर इनिशियल फाइनल हमारे पास कंजर्व रहती है। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो है ये भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कंजर्व रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिशन रिएक्शन के बारे में। स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज न्यूक्लियस टू द स्मॉलर वंस रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ द एनर्जी। फिशन रिएक्शन दरअसल हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस टूटकर छोटे न्यूक्लियस के अंदर तब्दील होता है और एनर्जी खारिज होती है, या फिर हमारे पास ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी लाइब्रेट होती है, जो कि फिशन रिएक्शन जो है वो कहलाता है। अब यूरेनियम 235 के ऊपर अगर हम एक न्यूट्रॉन को जो है वो एड करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास बैरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 और 3 न्यूट्रॉन जो है ये हमारे पास खारिज होंगे। इन दिस रिएक्शन मोर देन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज एनर्जी लाइब्रेट। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी जो है वो खारिज होती है। और जब चेन रिएक्शन फिशन रिएक्शन में अप्लाई होता है तो ये हमारे पास कंट्रोल्ड होता है। जब चेन रिएक्शन को हम एटम बम के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास अनकंट्रोल्ड हो जाता है। The chain reaction is controlled and is applied in the fission reaction. The chain reaction left uncontrolled is applied in the atom bomb. अब fission chain reaction जो है वो किस तरह से करता है कि जब हम यहाँ पे यूरेनियम 235 के ऊपर एक न्यूट्रॉन को जो है वो फॉल करवाते हैं तो वो फर्दर जो है हमारे पास बैरियम 141 और क्रिप्टॉन जो है 92 के अंदर तब्दील हो जाता है और 3 न्यूट्रॉन जो है ये हमारे पास खारिज होते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो है ये फर्दर जो है ये यूरेनियम 235 के एटम के साथ टकराते हैं और ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे ये जो है 3 न्यूट्रॉन जो खारिज हो रहे हैं इनमें से एक न्यूट्रॉन दोबारा यूरेनियम 235 के ऊपर टकराएगा तो वहां पे बैरियम और क्रिप्टॉन बनेंगे और दोबारा से यहाँ पे क्या होंगे 3 न्यूट्रॉन जो है वो खारिज होंगे। तो इस तरह ये जो है फर्दर हमारे पास चेन इनकी चलती रहती है। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर।
प्लेस वेयर कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन अकर, लाइब्रेटेड एनर्जी इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर वहां पे हमारे पास रखा जाता है जहां पर हमारे पास कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन वाक्य होता है। जो एनर्जी हमारे पास खारिज होती है इसको बिजली को पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट्स ऑफ रिएक्टर। रिएक्टर के हमारे पास कौन कौन से पार्ट हैं और कितने पार्ट हैं? तो रिएक्टर के अंदर हमारे पास एक तो होता है फ्यूल यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। सेकंड पे हमारे पास मॉडरेटर वाटर ग्रेफाइट, जो कि हमारे पास न्यूट्रॉन को जो है वो स्लो करता है। और थर्ड पे हमारे पास कंट्रोल रॉड कैडमियम, ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व कर लेता है। और फोर्थ पे हमारे पास क्या होता है, कंक्रीट वॉल, जो कि हमारे पास रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है। तो ये हमारे पास जो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर के पार्ट्स होते हैं, ये चार जो मैंने आपको बताया। ये हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर है, इसके अंदर आप ये तमाम के तमाम पार्ट्स को जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्यूजन। टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द लाइब्रेशन ऑफ द एनर्जी। अब फ्यूजन रिएक्शन क्या है, जब दो हल्के न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं और नतीजे के तौर पर हमारे पास एनर्जी खारिज होती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्या होगा कि हीलियम के चार एटम बनेंगे, एक न्यूट्रॉन खारिज होगा और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो लाइब्रेट होगी। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी। ये जो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है ये सूरज की एनर्जी का बुनियादी जरिया है। फ्यूजन रिएक्शन इज आल्सो अप्लाइड इन हाइड्रोजन बम। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन बम के अंदर भी यूज किया जाता है या अप्लाई होता है। यहाँ पे देखें, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के दरमियान जो है वो डिफरेंस जो है वो बताया गया है कि फिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो टूट कर छोटे न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाता है जब उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मतलब न्यूट्रॉन जो है वो फॉल करवाया जाता है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन उसके बिल्कुल बरअक्स है। इसके अंदर दो स्मॉल न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा जो है वो न्यूक्लियस बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फ्यूजन और फिशन रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस दिखाया गया है कि फिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो स्प्लिट अ लार्ज मास न्यूक्लियस इनटू टू मीडियम मास न्यूक्लियस, कि फिशन रिएक्शन के अंदर एक जो बड़ा मास होता है वो टूट कर छोटे मास के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होते हैं कि दो छोटे मास जो है वो हमारे पास जुड़कर एक दूसरे के अंदर फ्यूज होकर एक बड़ा मास बनाते हैं। अब फिशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो एक न्यूक्लियन से रिलीज होती है वो कम होती है किसके मुकाबले में, उस एनर्जी के मुकाबले में जो कि फ्यूजन रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिशन रिएक्शन के अंदर जो पर न्यूक्लियन एनर्जी प्रोड्यूस होती है या रिलीज होती है वो हमारे पास कम होती है उसके मुकाबले में जो एनर्जी हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस है। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है पर न्यूक्लियन वो ज्यादा होती है। अब फिशन रिएक्शन को जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि फ्यूजन रिएक्शन जो है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास किसी किस्म की कोई हीट की जरूरत नहीं होती, जबकि हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शन है इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। अब फ्यूजन रिएक्शन जो है इसके अंदर किसी किस्म का कोई रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट नहीं होता, जबकि फिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास बहुत से रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि फिशन रिएक्शन के अंदर बहुत से बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जबकि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर किसी किस्म का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होता। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस जो है वो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की हमारे पास यहाँ पे जाहिर की गई हैं। तो हमारे पास मेडिकल रेडियो आइसोटोप के अंदर हमारे पास इमेजिंग या थेरेपी के अंदर यूज होते हैं, और मैग्नेटिक रेजोनेंस या MRI के अंदर हमारे पास यूज होते हैं। उसके बाद मटेरियल की डेटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और पावर जनरेशन के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, और मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जो है वो यूज होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आप सब लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।